Hello, good evening, students of class 9. VKM India is here and you are welcomed in orientation once again. Students, we have a very special lesson, that is the first lesson from your course syllabus to go through, to discuss. Before starting this chapter, I want to ask a question. Have you ever thought about the schools just after 150 years? 150 साल बाद के स्कूल्स कैसे होंगे, क्या कभी आपने कल्पना की है? अभी 3 महीना पहले मैं आपको ले चल रहा हूं, जस्ट गो 3 months बैक। 3 महीना पहले आपके स्कूल्स कैसे थे और आज जस्ट आफ्टर 3 months आपके स्कूल्स कैसे हैं? इट्स अ ड्रास्टिक चेंज, इट्स अ कंप्लीट चेंज। यू आर ऑनलाइन एंड टीचर्स आर ऑल्सो ऑनलाइन। So just after 150 years, what will happen? It is very difficult to say. It is very difficult to assume. इसी चीज का एहसास देने के लिए यह एक चैप्टर, एक खास चैप्टर आपको दिया गया है जिसे आपको पढ़ना है। एक बात और, बड़ी खास बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, Do you think you love your school? क्या आप अपने स्कूल को प्रेम करते हैं? आपको अपने स्कूल पसंद है? क्या आपको लगता है कि आपका स्कूल बहुत ही इंटरटेनिंग है, बहुत ही लर्निंग है, लॉट ऑफ फंस आर देयर? क्या ऐसा आप सोचते हैं? हमें नहीं लगता। हमें लगता है कि आप सोचते होंगे, अ लॉट ऑफ वर्क इज देयर, लॉट ऑफ होमवर्क्स आर देयर, क्लास वर्क्स आर देयर, प्रैक्टिकल्स आर देयर, ट्यूशन इज देयर, कोचिंग क्लासेस आर देयर, सो एवरी टाइम यू आर बिजी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी आपके इस प्रेजेंट स्कूल को कोई मिस करेगा? उसे लगेगा कि ये स्कूल ज्यादा आनंददायक था, ज्यादा लर्निंग था, फुल ऑफ फन था। अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो द स्टोरी इज गिवन टू यू। स्टोरी में द फन दे हैड, इस स्टोरी में आज के स्कूल को फ्यूचर के स्कूल से कल्पना की गई है। राइटर ने इस स्टोरी को बहुत अच्छे ढंग से डिजाइन किया है। कैरेक्टर दो लिया है, मार्गी एंड टॉमी। मार्गी एक 11 साल की बच्ची है, टॉमी 13 साल का एक लड़का है। और मार्गी जो है वो अपनी डायरी लिख रही है और डायरी में डेट दे रही है 17 मई 2157, 17 मई 2157, ये 2020 चल रहा है, अभी तकरीबन 125 साल बाद 2157 की डेट डालती है और अपनी डायरी में कोट करती है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। रियल बुक का मतलब जिस किताब से आप पढ़ते हो, कागज पर छपी हुई किताब, जिसके वर्ड्स कागज पर छापे गए हैं, उसको उसकी बाइंडिंग हुई है और एक रियल बुक टॉमी को मिली। अपनी डायरी में इस डेट को मार्गी कोट करती, लिखती, और नीचे लिखते समय वो याद करती कि उसके पिताजी कहा करते थे, His grandfather told him, उसके पिताजी के दादाजी कहा करते थे कि उनके जमाने में किताबें कागज पर छपती थी। और उसे विश्वास नहीं होता, आश्चर्य नहीं होता, आश्चर्य होता है, वो सोचती है कि उन किताबों की तुलना में हमारी ये ई बुक्स का मतलब तो अब आप समझ गए होंगे, इस ई लर्निंग का भी मतलब आप समझ गए होंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो किताबें चलती हैं, जो लेटर्स चलते हैं, जो हमारे स्क्रिप्ट्स चलते हैं, दे आर नोन एज ई बुक। वो बुक नहीं जो आप अपने टेबल पर रखते हो, वो बुक जो आप अपने मोबाइल्स में रखते हैं, जो आप अपने लैपटॉप्स में रखते हैं, टैब्स में रखते हैं, कंप्यूटर्स में रखते हैं, दे आर नोन एज ई बुक। उसके फ्लाइंग लेटर्स स्क्रीन पर चलते रहते हैं, उसमें डिफरेंट कलर्स भी दिखाई देते हैं। सो ई बुक से वो रियल बुक की, रियल बुक मीन्स प्रेजेंट बुक, प्रिंटेड बुक से वो ई बुक की तुलना करती है और कहती है कि हमारा ई बुक ज्यादा अच्छा है, इसके फ्लाइंग लेटर्स बहुत मजेदार लगते हैं, अच्छे लगते हैं, और मिलियंस ऑफ बुक्स आई कैन कीप इन माई कंप्यूटर, इट्स अ बिग लाइब्रेरी, बट दोज प्रिंटेड बुक्स अ लिमिटेड बुक्स, A limited number of books a man can keep, a student can keep. ये सोचती है जब वो डायरी लिख रही होती। इसके बाद उसके मन में दो सवाल आते हैं जो वो टॉमी से पूछती है, Where did you find it? कहां मिली ये किताब तुमको? और दूसरा सवाल है, What is it about?
इस किताब में लिखा क्या है, उस रियल बुक के बारे में। कौन पाया है किताब इसके पास है? टॉमी के पास। टॉमी इज अ 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड एंड मार्गी इज 11 ईयर ओल्ड गर्ल। टॉमी को एक रियल बुक मिलती है, ये वो अपनी डायरी में मेंशन करती है और टॉमी से पूछती है कि वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक, ये किताब तुम्हें कहां से मिली। टॉमी उसे बताता है कि हमारे घर में एक पुरानी अलमीरा है, उसी में रखी थी, वहीं से मिला। वो पूछती है कि व्हाट इज इट अबाउट, ये किस चीज के बारे में है, इस किताब में क्या लिखा है। टॉमी बताता है इट इज अबाउट अ स्कूल, और जैसे ही वो बताता है वैसे ही मार्गी का चेहरा लटक जाता है एंड शी इज क्वाइट सरप्राइज्ड, हु इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल। Actually, she is very scornful about schools. School उसे अच्छा नहीं लगता। मार्गी स्कूल से नफरत करती है। She never goes to like her school. एक बहुत important question है इस chapter का। मार्गी अपने स्कूल से क्यों नफरत करती है? क्योंकि उसका geography chapter कभी तैयार नहीं होता। बार बार test उसके सामने आ जाता है, बार बार fail हो जाती है, बार बार बुरा करती है और एक बार तो उसकी माँ ने उसे पकड़कर खूब हिला दिया कायदे से। Why? What happened? And she is bothering about her progress. Or her mother was very much unhappy with the result of Margie, especially in geography. Or इतना वो नाराज हो गई कि वो county inspector के पास चली गई, कि आपका teacher ये जो e teacher that is not a live teacher like us. That is the e teacher, robotic teacher you can say. Who goes to explain the chapter? Or she is not happy with that robotic teacher and she goes to the county inspector, जो उसका अधिकारी होता है उसके पास जाता जाती है। उसकी माँ कहती है कि आपके इस टीचर से हम संतुष्ट नहीं है। His explanation is not well. My daughter is not doing well. And county inspector अपना झोला बैग तार प्लस पेचकस लेके पहुंच जाता है उसके घर। Margie is very much happy कि चलो कंप्यूटर खराब है, इनका लेसन खराब है, अब कुछ दिन मौज रहेगी। आई हैव नॉट टू गो टू स्कूल। बट इंस्पेक्टर कम्स एंड ही स्माइल्स एंड ही गिव्स एन एप्पल टू मार्गी। मार्गी को खुश करता है और देन ही गोज टू चेक द लेसन एंड देयर ही गेट्स द लेसन इज फास्टर अकॉर्डिंग टू एज ऑफ मार्गी। मार्गी के उम्र के अनुसार लेसन थोड़ा फास्ट हो गया है, वो उसको स्लो डाउन कर देता है और उसकी माँ से कहता है कि हियर मार्गी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, मार्गी में कोई गलती नहीं है, शी इज अ गुड गर्ल एंड हर प्रोग्रेस इज ऑल्सो सेटिस्फैक्ट्री। चूंकि गलती लेसन में थी, ये थोड़ा लिटिल फास्टर हो गया था, हमने इसको स्लो कर दिया है और अब ये ठीक चलेगा। और देखते ही देखते स्क्रीन पर फिर जियोग्राफी के वो लेटर्स दिखने लगे और सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। मार्गी थोड़ा सा उदास हो गई, और क्यों उदास हुई? क्योंकि वो सोच रही थी जैसे एक बार टॉमी का लेसन खराब हुआ था और एक महीने तक हिस्ट्री का लेसन उसका बन ही नहीं पाया, बहुत मौज मस्ती थी टॉमी को, ही वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ स्टडीज। शायद वैसा ही हो जाए, लेकिन वैसा दुर्भाग्य से होता नहीं, लेसन बन के तैयार हो जाता है एंड मार्गी हैज टू कंटिन्यू। अब उसे कंटिन्यू करना है। मार्गी ये सब सोच रही है। मार्गी द क्वेश्चन इज देयर, व्हाई इज मार्गी वेरी मच स्कॉर्नफुल अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में क्यों वो इतना परेशान है, क्यों उसको स्कूल नहीं अच्छा लगता? जब टॉमी उसको बताता है कि दिस बुक इज जस्ट अबाउट स्कूल, उसे यकीन नहीं होता, उसे बड़ा अजीब सा लगता है। देन द स्टोरी प्रोसीड्स फर्दर। जब वो ये एक इंस्टेंट याद कर लेती है कि स्कूल से क्यों उसे नफरत है, इसका जवाब भी हमने आपको दे दिया, अगला सवाल उसके दिमाग में आता है, हु इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल इज नेवर अ टॉपिक टू राइट अबाउट। स्कूल कोई टॉपिक नहीं होता लिखने का, ये कौन है जो स्कूल के बारे में लिखता है? टॉमी उसको समझाता है, दिस इज नॉट द स्कूल ऑफ टूडेज, दिस इज नॉट मॉडर्न स्कूल, दिस इज एन ओल्ड स्कूल, ये पुराने जमाने का स्कूल है, उस स्कूल के बारे में लिखा गया है। She never goes to understand what about old schools. ये पुराने स्कूल से क्या मतलब? आज 2157 का बच्चा 2157 के स्कूल के बारे में जानता है, 2020 के स्कूल के बारे में वो नहीं जानता। तो टॉमी उसको समझाता है, तुमको नहीं मालूम है, ये पहले का स्कूल है। आप सैकड़ों साल कह सकते हो कि 100 years ago इस तरह के स्कूल हुआ करते थे। बताता है कि इस स्कूल में टीचर एक लाइव टीचर
एक मैन टीचर पढ़ाता था। तो मागी कहती, किसी लाइव टीचर को, किसी व्यक्ति टीचर को मैं अपने घर क्यों आने दूंगी? वो कहता है, नहीं पागल, वो घर नहीं आएगा। यू नो अ लिटिल बिट अबाउट दोज स्कूल्स। एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग में सारे बच्चे एक साथ अपने अपने घर से आते हैं और एक क्लास में बैठते हैं, एक ही चीज सीखते हैं, एक ही होमवर्क करते हैं और टीचर सबको एक साथ पढ़ाता है। अ लाइव टीचर, मैन टीचर। मार्गी को यकीन नहीं होता कि एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो एक टीचर हो जाए। मेरी माँ तो कहती है कि एक टीचर बहुत ही स्मार्ट होता है और वो अलग अलग तरह के बच्चों को अलग अलग एटीट्यूड के साथ, अलग अलग उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको सबको समझता है और वो उसे डील करता है। हाउ कैन अ मैन बी सो स्मार्ट? टॉमी कहता है, कैन बी, माई फादर इज सो स्मार्ट। देन ही प्रोसीड्स फर्दर एंड शी आस्क्ड, एनीवे, हो सकता है ऐसा हो। इसी बीच वो कहती है कि आई वॉन्ट टू गो थ्रू दिस बुक, मैं भी ये किताब पढ़ना चाहती हूं। टॉमी उसको बुक दे देता है, थोड़ी देर तक वो पढ़ती है और अभी वो इंटरेस्ट उसका आ रहा है, कुछ पन्ने वो पढ़ चुकी है। नाउ शी वॉन्ट्स टू गो थ्रू, स्टिल एट द सेम टाइम हर मदर कॉल्स, उसकी माँ चिल्लाती है, उसकी माँ बोलती है, इट इज द टाइम फॉर योर स्कूल। वेयर इज द स्कूल? जस्ट बिसाइड हर बेडरूम, इन अनदर रूम देयर इज अ स्कूल, अ बिग स्क्रीन इज देयर, कंप्यूटर इज देयर, एंड दैट इज द स्कूल। मार्गी चाहती है कि अभी थोड़ा समय मिले, अभी अभी नहीं, अभी हम किताब पढ़ें, लेकिन लक टालने के बावजूद भी शी हैज टू ज्वाइन द स्कूल एंड शी गोज इन टू हर स्कूल जस्ट बिसाइड हर बेडरूम एंड देयर द सेम लेसन स्टार्ट्स। द टीचर इज वेटिंग फॉर हर, टीचर इज वेरी पंक्चुअल बिकॉज इट इज रोबोटिक टीचर। हर मदर टेल्स दैट यू शुड बी पंक्चुअल एंड रेगुलर एंड मंडे टू फ्राइडे यू हैव टू बी प्रेजेंट हियर because students learn regularly. If you'll not be there, students can miss their lesson. इस instruction के साथ वो robotic teacher पहले से wait कर रहा है, जो हमेशा wait करता रहता है, और she goes into the class and the lesson starts. This is an arithmetic lesson. और arithmetic lesson में class शुरू होता है और teacher कहता है कि सबसे पहले आप कल का homework submit करो, right slot में homework submit करो। सबमिट कर देती है ये बड़े बोझिल मन से, बड़े उदास मन से, बिकॉज टुडे शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्कूल, टुडे शी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग दैट ओल्ड बुक अबाउट द ओल्ड स्कूल। टीचर कहता है कि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एडिशन ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस, डिफरेंट फ्रैक्शंस का एडिशन सिखाने जा रहा है, 1/2 प्लस 1/4 सिखाने जा रहा है, और मार्गी को सीखने का मन नहीं कर रहा है। मार्गी गोज थ्रू द लेसन बट इन हर माइंड द आइडिया पासेस, शी गोज टू थिंक, वो सोच रही है क्या मजा रहा होगा उस जमाने के स्कूल में, कितना अच्छा रहा होगा, एक ही कमरे में बहुत सारे बच्चे, अलग अलग घर के बच्चे आते होंगे, एक साथ खेलते होंगे, एक साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते होंगे, उनका होमवर्क करने में भी बड़ा आसानी रहती होगी, सब लोग एक ही लेसन पढ़ते होंगे। हाउ मच फन दे हैड एंड हाउ हैप्पी दे वर। कैन यू इमेजिन अबाउट योर स्कूल? आफ्टर 150 years पीपल विल थिंक लाइक दैट। So what you have today, dear students, just enjoy and think that this is an opportunity you are having and later on you are going to miss it. And thus this story goes to its end. Our मेरा लेसन भी अब खत्म होने जा रहा है। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आएगा और आपको इस लेसन समझने में आसानी भी होगी। Wishing you all the best.